नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 वर्सेस Realme C25s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.31 इंच जबकि Realme C25s में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 में 2.93 इंच जबकि Realme C25s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 में 0.32 इंच जबकि Realme C25s में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम जबकि Realme C25s में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 में AMOLED जबकि Realme C25s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचेस जबकि Realme C25s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 10 में 1080x2400 और Realme C25s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 में 83.53% जबकि Realme C25s में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme C25s में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme C25s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme C25s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Mali-G76MC4 जबकि Realme C25s में Mali-G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 में MediaTek Helio G95 और Realme C25s में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB की RAM मिलती है जबकि Realme C25s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme C25s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 में अप टू 512GB जबकि Realme C25s में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 में 5000mAh जबकि Realme C25s में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 में 3 कलर्स जबकि
Realme C25s में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें Realme C25s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,599 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 10 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C25s की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 10 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo Y20G है जो कि 12,380 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है जो कि 21,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।